नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। काशी विश्वनाथ थीम पर सजा भोपाल का बरखेड़ा का पंडाल, 25,000 श्रद्धालु रोज पहुंच रहे, 35 साल पहले हुई थी शुरुआत। महाअष्टमी पर महामाया को मदिरा भोग, उज्जैन में 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा पर निकले अधिकारी कर्मचारी, रात 12 बजे महाआरती। हार्ट अटैक से मौत की आशंका, रीवा में जयस्तंभ चौक के नजदीक मिला अज्ञात शव, शिनाख्त नहीं। चित्रकूट के चौबे राजा परिवार से ताल्लुक रखने वाले चित्रकूट से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी यूं तो करोड़पति हैं, लेकिन उन पर 56 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। चित्रकूट के नया गांव राजमहल में रहने वाले नीलांशु ने हाल ही में बरौंधा में 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल जमीन पर नया घर भी बनवाया है। कलेक्टर ने जारी की निर्वाचन की सूचना, चुरहट विधानसभा क्षेत्र का नाम निर्देशन पत्र करुणा भवन में होगा आयोजित। भोपाल के अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2023 का समापन, काठियावाड़ी राजस्थानी गुजराती ड्रेसेस का फ्यूजन, बॉलीवुड मिक्स बीट पर धमाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रीवा जिले में सख्ती शुरू हो गई है। यहां कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। उक्त कार्यवाही मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई। चारों अपराधियों को रीवा समेत सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जिले से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहना होगा। जबलपुर में पुलिस के वज्र वाहन का फेल हुआ ब्रेक, बाउंड्री वॉल से टकराकर नाले में घुसा, गोल बाजार में मची अफरा तफरी। विक्रम विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की पूरक परीक्षाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित करने का सुझाव अन्य कॉलेज प्रचारियों ने दिए थे। कुलपति ने कहा कि परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी, विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर से परीक्षाएं कराएगा। परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, सभी केंद्रों पर निर्देश दिए हैं। सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय रहित वातावरण में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 5 अपराधियों को 1 वर्ष की काल अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।